हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टैकी लेंस। और मैंने स्वेटर भी लगा लिया है क्योंकि इधर मतलब विंटर आ चुका है ऑलरेडी। मतलब मैं डुअर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं डुअर्स में रहता हूँ तो विंटर इधर में आ चुका है। आपके साइड में आया है कि नहीं आया वो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड मेरे को अभी कोई शौक नहीं है, कोई मतलब इच्छा नहीं कर रहा था कि फेस्टिवल सीजन में आपको एक बुरी खबर दूँ, बट आज की वीडियो में बैड न्यूज़ है जियो यूजर्स के लिए। खास करके क्या मतलब पूरे जियो यूजर्स के लिए बैड न्यूज़ है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो भी मेरे को बनाना नहीं है। तो अगर आप मेरे को सीधा आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप अपने फ़ोन में जियो का सिम यूज़ करते हो तो अभी से मतलब अब से आज 9 तारीख है राइट, तो 10 तारीख से अगर आप जियो से किसी और भी मोबाइल ऑपरेटर में, अगर जियो से वोडाफोन, जियो से एयरटेल या फिर जियो से BSNL या फिर जियो से आइडिया या फिर जियो से कोई भी अगर दूसरे मोबाइल ऑपरेटर में अगर आप कॉल करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 6 पैसे पर मिनट पे करना पड़ेगा। और ये अनाउंसमेंट आज ही करी है जियो ने। और मतलब जियो का कहना है ये, मतलब यहाँ पर पूरा मैंने खोल के रखा है जो जियो का अनाउंसमेंट है। तो जियो का कहना ये IUC के चलते है। मतलब बेसिकली अगर आप पूछोगे IUC क्या है तो मतलब ये आप फुल फॉर्म वगैरह आप आर्टिकल में पढ़ सकते हो, ये जो कुछ भी IUC ट्राई वगैरह। तो IUC मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप कोई भी ऑपरेटर से, अगर आप जियो से कोई भी ऑपरेटर दूसरे मोबाइल ऑपरेटर में अगर आप कॉल करते हो तो उसके लिए ने ट्राई ने मतलब एक अमाउंट सेट करके रखा है, एक चार्ज सेट करके रखा है जो कि 6 पैसे पर मिनट जो ऑपरेटर को पे करना पड़ता है। और जियो का कहना है कि उन्होंने मतलब जब से कंपनी ये जो जियो सिम है इसको स्टार्ट करा है उन्होंने 1700 करोड़ लगभग उन्होंने पे करे। एक मिनट मैं आपको वीडियो प्ले करके सुना भी देता हूँ यहाँ पर, तो मतलब एक मिनट थोड़ा होल्ड करना, तो यहाँ पर भी आप सुन लेना, सुनाई देगा कि नहीं देगा मतलब नहीं पता मेरे को, फिर भी यार मतलब ये है ट्राई करके आपको प्ले करके सुना देता हूँ। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट जियो हैज पेड ए नेट IUC कॉस्ट ऑफ ₹13,000 करोड़ टू अदर ऑपरेटर्स ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। भाई 1700 करोड़ 2017 भाई 1700 करोड़ नहीं 13,000 करोड़ है। तो मतलब इनका कहना है कि बेसिकली जियो ने जब से स्टार्ट करा है इन्होंने मतलब 13,000 करोड़ दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स को पे करा है एज आ IUC चार्ज। तो मतलब अब से इनका कहना है कि ये जो IUC चार्ज है हम लोग को पे करना पड़ेगा और इन्होंने इसके रिगार्डिंग पूरा अनाउंसमेंट आज ही करा है। एंड यहाँ पर आपको टॉपअप के सिस्टम से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब जो इसका PDF फाइल है, जो अनाउंसमेंट है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर आप ₹10 का इसके IUC टॉपअप रिचार्ज करते हो, IUC टॉपअप भाई मतलब क्या प्रॉब्लम है प्रोनाउंस करने में, दिक्कत हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर ₹10 का IUC वाउचर रिचार्ज करते हो तो उसके साथ आपको यहाँ पर 124 मिनट्स मिलेगा, जो 124 मिनट में आप कोई भी दूसरे ऑपरेटर में कॉल कर सकते हो। एंड इन्होंने मतलब जियो का कहना है कि इन्होंने मतलब ये चार्ज को कंपनसेट करने के लिए अगर आप कोई भी ₹10 का रिचार्ज करोगे तो उसके साथ आपको 1 GB डेटा दे रहे हैं फ्री में। अगर आप 20 का रिचार्ज करते हो आपको 249 मिनट मिलेगा और 2 GB, एंड अगर आप 50 का करते हो तो आपको 656 मिनट मिलेगा दूसरे ऑपरेटर के लिए एंड 5 GB डेटा। और अगर आप 100 का करते हो तो आपको यहाँ पर 1362 मिनट्स मिल रहे हैं प्लस 10 GB डेटा। तो मतलब ये मतलब पूरा मिला के अगर मैं आपको शॉर्ट समरी में बता दूँ तो यही है मेन जो अनाउंसमेंट है। अगर आप जियो सिम अभी यूज़ करते हो और अगर आप दूसरे ऑपरेटर में कॉल करे हुए तो कल से, तो बेसिकली कल से 10 अक्टूबर से आपको 6 पैसे पर मिनट पे करना पड़ेगा और कल से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। एंड जो इनका वीडियो था ऑफिशियल वीडियो, इन्होंने मतलब पुराने रिचार्ज वालों के बारे में कुछ बताया नहीं था। ये लोग बोल रहे थे कि 10 अक्टूबर के बाद में अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा जियो रिचार्ज, कोई भी जियो रिचार्ज बेसिकली करते हो तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा जो IUC वाउचर है वो भी डालना पड़ेगा। तो मेरे को लगा था जो पुराना रिचार्ज है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, तो उसके लिए भी मैंने इनका जो कस्टमर केयर है तो उनसे कॉल करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पहले भी रिचार्ज कराया है 10 अक्टूबर से, जैसे कि मैंने रिसेंटली 399 का कराया है जियो पे, तो मेरे को भी अब IUC वाउचर खरीदना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी दूसरे कॉल, दूसरे ऑपरेटर को कॉल करता हूँ तो मेरे को बेसिकली वो वाउचर रिचार्ज करना पड़ेगा। अरे यार मतलब अगर मैं मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक तो हम लोग पे ही कर रहे हैं, मतलब चलो मैंने रिचार्ज कराया है 399 का 3 मंथ का, तो मैंने तो पे कराया है ना डेटा के लिए, सेल्यूलर डेटा मतलब, और कॉल के लिए, SMS के लिए, बट फिर भी हम लोग को उसमें से एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है।
एंड मैंने जो उनका कस्टमर केयर बस ऐसे मतलब टाइम पास के लिए बोल दिया था कि यार मतलब ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, आप लोगों ने दिवाली गिफ्ट दे दिया, मस्त गिफ्ट है, क्या मजा का गिफ्ट है, आपसे हम लोग को जियो को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो बोल रहे कि ऐसा नहीं है सर, ये हम लोग के मतलब कारण नहीं है, ये ट्राई ने सेट किया है, ये IOC चार्जेज हम लोग नहीं करते हैं, एंड ये बाकी सारे ऑपरेटर्स में भी आ जाएगा, अभी नहीं आया तो ये भी आ जाएगा। तो मतलब उनका कहना ये है, यार आप क्या सोचते हो इसके बारे में, अगर आप जियो सिम यूज़ करते तो मतलब मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा पैसा देना किसी को पसंद नहीं है, जब हम पैसा दे रहे उसके ऊपर से और एक्स्ट्रा पैसा देना, भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को। तो यार मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोचते हो, और ये जो अनाउंसमेंट है या आर्टिकल है, वीडियो वगैरह जो कुछ भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो उनका मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका पूरा डिटेल है, चार्ज वगैरह हर चीज़ वगैरह क्या सेट करिए, कब से क्या 2017 से क्या चलते आ रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है, मतलब जो कि ऑब्वियसली मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मतलब ये सारी अनाउंसमेंट अगर डिटो वीडियो में बता दी तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका कोई यूज भी नहीं है। तो मेन चीज़ जो था मैंने बता दिया, जो कि आपको 6 पैसे पर मिनट पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी ओपिनियन देना मेरे को कॉमेंट सेक्शन में, आप लाइट फ्लिकरिंग हो रहा है उसके लिए सॉरी, तो आप मेरे को अपनी ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हो ये जियो का अनाउंसमेंट के बारे में, 6 पैसे पर मिनट वाले बारे में, एक्स्ट्रा रिचार्ज के बारे में। सो इतना था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया, और अगर मज़ा आया, मज़ा नहीं आया, मेरे को पता है सारे लोग डिसअपॉइंटिंग होंगे इस वीडियो के बाद में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी बहुत लाइक इन्फॉर्मेशन मिली मैं पहले दे पाया शायद, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक इंडियन यूट्यूब में मतलब इंडिया में बेसिकली किसी भी यूट्यूबर ने इस टॉपिक को अभी कवर नहीं करा है। बट क्या बताया भाई, मतलब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको एडिट करके अपलोड करते किसी ने अपलोड कर दिया तो नहीं बता सकता, बट जब मैंने चेक करा था तो भाई कहीं पर भी कोई वीडियो नहीं मिली। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, तो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए